नमस्कार, वेलकम टू हेल्थ की बात यथार्थ के साथ। मैं डॉक्टर सुनील बालियान, एडिशनल मेडिकल डायरेक्टर। अभी जैसे ही मौसम बदल रहा है और बारिश का मौसम आ रहा है, सडनली स्टूडेंट देखते हैं कि डेंगू के केसेस हर साल इस महीने में बढ़ जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा डेंगू के क्या लक्षण है, क्या उपचार है और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। डेंगू एक वायरल डिजीज होता है जो कि मॉस्किटो के काटने से होता है, तो हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी डेंगू का मच्छर होता है वो यूजली कितने काटता है, वो ज्यादा हाइट तक नहीं उठ पाता है, उसको मैक्सिमम 2-3 फीट या 4 फीट हाइट तक ही उठ पाता है। तो हम अगर दिन में कहीं भी अपने घर में रहते हैं, बच्चों को भी अगर हम स्कूल भेजते हैं, तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के हमें मिलना चाहिए और फुल पैंट ऐसे मौसम में हमें पहनना चाहिए, तो हम डेंगू से बच सकते हैं। ये तो थी इसके बचाव की बात। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं डेंगू को हम ऐसी बीमारी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डेंगू जो अगर किसी को हो जाता है तो ये लगभग 10 दिन का समय लेता है पूरी तरीके से रिजॉल्व होने में। इसकी 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज को हम बोलते हैं फेब्राइल स्टेज, दूसरी स्टेज को हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड स्टेज और तीसरी स्टेज को हम बोलते हैं रिकवरी स्टेज। तो पहली स्टेज होती है वो 1 से 5 दिन की होती है और इसमें जो सिम्टम होते हैं वो बैक पेन के साथ हाई ग्रेड फीवर होता है, इसीलिए हम डेंगू को बैकबोन फीवर भी कहते हैं। कमर में दर्द, हाई ग्रेड फीवर होना, हेडेक होना, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। लाल रंग के चट्टे शरीर के ऊपर आ जाते हैं। ये सिम्टम्स यूजुअली पहले 5 दिन होते हैं। एक मिथ है हम लोगों में कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम होती है, लेकिन जो ये फेब्राइल स्टेज होती है 5 दिन तक यूजुअली प्लेटलेट्स की गिरती है। प्लेटलेट्स का गिरने का सिलसिला स्टार्ट होता है जब फीवर आना बंद हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड स्टेज। तो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है वो 6-8 डे होती है और कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में सबसे ज़्यादा जो हम सब लोग जानते हैं मेन कॉम्प्लिकेशन होता है कि प्लेटलेट्स कम होने लगती है। उसके आगे भी इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जितनी भी हमारी शरीर की झिल्लियाँ होती हैं, जैसे हम कपड़े पहनते हैं इसी तरीके से हर ऑर्गन के ऊपर एक झिल्ली होती है, अगर पेट की झिल्ली के ऊपर सूजन आ जाए तो पेट के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे उल्टियाँ लगना, पेट में भारी पन रहना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, डायरिया होना, छाती की झिल्ली के ऊपर, फेफड़ों की झिल्ली के ऊपर सूजन आ जाए तो उसकी वजह से जो है यूजुअली खांसी होना, सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस होना, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। हार्ट के ऊपर आ जाए तो हार्ट की वजह से जो है सडनली ब्रेडिकार्डिया हो जाता है और ब्रेन के ऊपर आ जाए तो सीवियर हेडेक होने लगता है। तो ये तीनों कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर इसको टाइमली एड्रेस नहीं किया जाए तो जानलेवा हो सकता है। इसकी फाइनल स्टेज होती है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज यूजुअली 8 डे पे स्टार्ट होती है और 10th डे तक चलती है। इसमें रिकवरी स्टेज में यूजुअली बॉडी में इचिंग होने लगती है। जब आपको इंजरी होने लगे तब आप समझे कि आप रिकवर कर रहे हैं। तो डेंगू के जो तीनों स्टेज थे मैंने बताए वो सावधानियाँ बताई, और कभी भी अगर आपको हाई ग्रेड फीवर बैकबोन के साथ हो रहा है तो आप अपने निजी चिकित्सक के पास जाकर जांच करें। थैंक यू।